बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां राजा तालाब थाना क्षेत्र के जखनी चौकी से चंद कदम पर तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। वहीं मौके से राजसमाज की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि हत्या करीब 2 दिन पहले हुई थी। आज पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी और सबूत जुटाने में जुटी है। बाबूराम का पूरा निवासी सोंग भोला गुप्ता की पत्नी रानी गुप्ता और बेटी पूजा गुप्ता 20 वर्ष और उनके बेटे प्रमोद 21 वर्ष के थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 दिन पहले जांबाज अरविंद कुमार गुप्ता भी आया था। परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी। इधर 2 दिन से पड़ोसियों को भोला के परिवार के किसी सदस्य के दिखाई देने पर शक हुआ। लोगों की सूचना पर गुरुवार को पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर तीनों शव बरामद कर लिए। तीनों की हत्या की गई थी। पुलिस मौके से फरियाद नवाज अरविंद की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया है कि अरविंद गुप्ता अपने बीवी को यहां से कुछ दिन पहले समझौता करके पंचायत की बात मानते हुए ले गया था। उसके बाद 10 दिन बाद वापस दोनों झगड़ा करते नजर आए और वापस अरविंद गुप्ता पूजा गुप्ता के घर पर उसको छोड़कर चला गया। बताया गया है कि सोमवार को अरविंद गुप्ता आए हुए थे। उसी रात में हत्या की आशंका जताई जा रही है। यहाँ खोजने आना चाहिए था पहले। यहाँ आए तीन दिन की सूचना है। 3 दिन पहले तक हमको लगता है सोमवार एक गिरफ्तार किया है। 3 दिन से ज्यादा ठंडक की वजह से ये साइकिल और कुर्सी इसी पैसे पर है। सोमवार की रात को ही काम तमाम कर मंगलवार बुधवार। अरे हम थोड़ी देर पहले आए। बताइए एक लोग को। थोड़ी देर पहले भी हम उनके बताए मंगलवार को आप नहीं। Oh, my God.